अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बातचीत नहीं होगी। मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को लाने की कोशिश हो रही है। आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच करके 25-25 करोड़ की ऑफर की गई। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। किसी जमात का आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच करना गैर आइनी और गैर अखलाकी है। शहबाज शरीफ की पीटीआई के कामयाब आज़ाद अराकीन को हुकूमत बनाने की दावत। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नई हुकूमत को किसी ताखिर के बगैर IMF से मुआहदा करना होगा। कराची के 40 हलकों के इंतखाबी नतायज के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन से रुजू का हुक्म। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो दरख्वास्तें आ रही हैं इन पर कार्रवाई हो रही है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इकोफ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इकोफ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला KP नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला KP के नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बातचीत नहीं होगी, उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। सेक्रेटरी इत्तेलात PTI रऊफ हसन को इन तीन जमातों के सिवा बाकी सबको इकट्ठा करने का कहा है। धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। हुकूमत बनाने से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इंतखाबी नतायज को चैलेंज कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, उस पर गौर करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मैंने अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया। इमरान खान का कहना था कि ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। अब पता चल गया कि हम आरोज के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हारे हैं। जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया कि PTI जीत गई है। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज़ायद वोट लिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में धांधली से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को लाने की कोशिश हो रही है। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर है। हमारा सबसे बड़ा मसला डॉलर्स हैं और ये डॉलर्स बैरून मुल्क भेजते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जेल में किसी भी आला सरकारी अहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं बनीगाला शिफ्ट नहीं हो रहा। बुशरा बीबी की भी अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त समाअत है। बानी PTI ने मजीद कहा है कि नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे कि इलेक्शन जीत गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हारे हैं। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया कि PTI जीत गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। इमरान खान ने वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। इमरान खान ने वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया। आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच करके 25-25 करोड़ की ऑफर की गई।
किसी जमात का आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच करना गैर आइनी और गैर इखलाकी है। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर बैरिस्टर अली जफर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आवाम ने हमें बहुत मैंडेट दिया, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन में अल्लाह ने हमें सुरखुरु किया है, ताकत का सर चश्मा आवाम है। बलूचिस्तान में हम 4 सीटों पर कामयाब हुए हैं, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं। पीटीआई ने कौमी असम्बली की 180 सीटें जीती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी आरोज अदलिया से दिए जाएं, कोशिश करेंगे कि मरकज़ और पंजाब में भी हुकूमत बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को वजीर आला नामजद किया है। बैरिस्टर गौहर का ये भी कहना था कि हमारा मैंडेट पूरा है, मगर छोटी पार्टियों को मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि जिन लोगों को अप्रोच किया गया उनको 25-25 करोड़ की ऑफर की गई, यही खदशा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच किया जाएगा। जिन लोगों को अप्रोच किया गया उनको पैसों की ऑफर की गई, किसी जमात का आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच करना गैर आइनी और गैर इखलाकी है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आज बानी पीटीआई इमरान खान से इलेक्शन के बाद पहली मुलाकात हुई, सियासी फैसलों के लिए इमरान खान से मशावरत की। बैरिस्टर अली जफर का मजीद कहना था कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कौम जाग गई है, नून लीग MQM और पीपल्स पार्टी के सिवा दीगर जमातों से बात करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब आजाद अराकीन को हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब आजाद अराकीन को हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट लाहौर में लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर आजाद अराकीन हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाए, PTI स्पॉन्सर्ड आजाद मेंबरान ऐवान में अक्सरियत दिखा दें तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। नई हुकूमत को किसी ताखीर के बगैर IMF से मुहैदा करना होगा। मुल्क की मौजूदा मौशी सूरत हाल में IMF से मुहैदा बहुत जरूरी है। उनका कहना था, अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जान लड़ाएंगे। सब अपनी अना को एक तरफ रखें और बगल गिर हों कि दूसरी पार्टियों से इलहाक होता है तो शबाना रोज मेहनत करेंगे। लीगी सदर का कहना था कि इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी इदारों ने किरदार अदा किया, वो सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन पर बेपनाह इल्जामात लगाए गए, कहा जाता रहा धांधली और लेवल प्लेइंग फील्ड और तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे थे। 2013 के इलेक्शन में 35 पंक्चर का इल्जाम किसने लगाया था? साबिक वजीर आजम का कहना था कि पार्लियामेंट पर हमला करने की भड़क मारी गई, खबरें खोदने का ड्रामा रचाया गया, सबके सामने है। 35 पंक्चर का भी हिसाब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, 35 पंक्चर की आड़ में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की दरख्वास्तों को भी अदालत ने मुस्तरद किया है, आजाद उम्मीदवारों के यकीनन नंबर ज्यादा है। सियासी पार्टियों में मुस्लिम लीग पहले, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। अगला मरहला शुरू हुआ चाहता है, अब सारा अमल पार्लियामान में वजूद में आएगा। अगर आजाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि अब आइन का तकाजा है, जिसकी तादाद ज्यादा है वो उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। जो खुद को PTI स्पॉन्सर्ड कहते हैं वो शौक से हुकूमत बनाएं, अगर वो हुकूमत नहीं बना सकते तो दूसरी पार्टियां बाहमी मशावरत से फैसला करेंगी, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के 40 हलकों के इंतखाबी नतायज के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करते हुए पटिशनर्स को इलेक्शन कमीशन से रजू करने का हुक्म दिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के 40 हलकों के इंतखाबी नतायज के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करते हुए पटिशनर्स को इलेक्शन कमीशन से रजू करने का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 40 हलकों के इंतखाबी नतायज के खिलाफ दरख्वास्तों पर तमाम दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और विफाक को 13 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों के रिकॉर्ड का जायजा लेने और 22 फरवरी तक तमाम दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म देते हुए तमाम दरख्वास्तें निपटा दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नतायज को मुल्क भर में मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया जा रहा है। कराची शहर से 40 हलकों के इंतखाबी नतायज को भी हारने वाले उम्मीदवारों की जानिब से चैलेंज करते हुए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिनकी समाअत करते हुए अदालत आलिया ने पटिशनर्स को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दिया है। समाअत के मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और फरीकैन के वकला सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। MQM के वकील बैरिस्टर फरूख नसीम ने अदालत को आगाह किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अजरदारी से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख के वकील ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रात गए
NA-238 से MQM उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब दरख्वास्तें यहां जेरे इल्तवा थीं तो रात गए कैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ। अदालत ने कहा कि जब इतना वक्त बाकी था तो NA-238 का नोटिफिकेशन 12 फरवरी की रात क्यों निकाला और इसको जारी करने की ऐसी क्या जल्दी थी। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है क्योंकि नतीजा तैयार था। इस मौके पर सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों की समाअत के लिए दो बेंच बना दिए हैं, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो दरख्वास्तें आ रही हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रूलिंग देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का पाबंद है और उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत से इस्तदा की कि इन दरख्वास्तों पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन को हतमी नोटिफिकेशन से रोका जाए। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि रफा में इसराइल की हालिया बमबारी और जारियत काबिल अफसोस है। पाकिस्तान मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद की कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि रफा में इसराइल की हालिया बमबारी और जारियत काबिल अफसोस है। पाकिस्तान मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद की कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि इसराइली जारियत बैनुल अक्वामी कवानीन और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद की इन कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसे इकदामात से नजर उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी का मुतालबा करता है। गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने गजा के शहर रफा पर इसराइल की फौजी जारियत की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल की जारियत आलमी अदालत इंसाफ की तजवीज़ करदा आर्जी इकदाम के खिलाफ वर्जी है। इस जहरियत से गजा में इंसानी तबाही में मजीद इजाफा होगा। मुमताज़ जहरा बलोच का कहना था कि आलमी बिरादरी और अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल इसराइली जहरियत रुकवाने के लिए इकदाम करे। आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं इंसानियत के खिलाफ जराइम को फौरी बंद कराया जाए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।